फीमेल्स के केसेस मैंने ऐसे देखे हैं कि जस्ट बिकॉज ऑफ द पीसीओडी एंड पीसीओएस 4 बार आईवीएफ फेल हो चुका है, जो उनका रिजल्ट निकल के आया है वो है डिवोर्स, और 100 डेज के अंदर आपका पीसीओडी एंड पीसीओएस जड़ से खत्म हो सकता है। अगर आपको एक्ने बहुत ज्यादा हो रहे हैं, इट मीन्स वो आपके हॉर्मोनल्स एक्ने। हाय, आज की वीडियो है टोटली डीपली इंफॉर्मेशन है रिलेटेड टू पीसीओडी एंड पीसीओएस। एज अ पीसीओडी ट्रांसफॉर्मेशन एक्सपर्ट मैं आपको यहाँ पे बताऊंगी कि पीसीओडी एंड पीसीओएस के होते हुए आपकी जिंदगी कितनी ज्यादा नर्क हो सकती है और कितनी ज्यादा हेल में जा सकती है। बहुत सारे क्लाइंट्स मेरे पास डेली बेसिस पे आते हैं, डेली बेसिस पे मैं कम से कम 10 से 15 केसेस देखती हूँ रिलेटेड टू पीसीओडी एंड पीसीओएस। कुछ कुछ फीमेल्स मेरे पास ऐसी भी आती हैं जो कि बिल्कुल लीन है, पतली है, स्टिल उनको पीसीओडी है, उनके पीरियड्स रेगुलर आते ही नहीं है। एंड कुछ कुछ फीमेल्स मैंने ऐसी देखी है जो 100 किलो की हैं, उनको रेगुलर पीरियड्स आते हैं बट उनका जो सिस्ट का साइज है वो बहुत ज़्यादा है। नाउ कुछ फीमेल्स के केसेस मैंने ऐसे देखे हैं कि जस्ट बिकॉज ऑफ द पीसीओडी एंड पीसीओएस 4 बार आईवीएफ फेल हो चुका है, जो उनका रिजल्ट निकल के आया है वो है डिवोर्स। और वहाँ पे मैंने कुछ लेडीज ऐसी देखी हैं जो कि पीसीओडी एंड पीसीओएस के चलते बहुत ज़्यादा मैसिव डिप्रेशन में। एक मेरे पास क्लाइंट है, मेरे पास 2017 में थी, तब मैं उनको पतला कर चुकी थी, अब वो दोबारा मोटू होके आई हैं। एंड जब वो मोटू होके आई है ना, वो 4 गुना मोटी होके आई हैं एंड उनको मैसिव पीसीओडी है। वो डेली बेसिस पे 1-2 कॉल करती है कि यार ये पीसीओडी का ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, क्या हो जाएगा। आपको पता है हमारे आयुर्वेदिक चीज़ों में और इतनी सारे हर्ब्स हैं हमारे पास जो कि पीसीओडी एंड पीसीओएस को बहुत ही आराम से क्योर कर सकती हैं विद इन 100 डेज के प्रोग्राम के अंदर। 100 दिन का आपको चैलेंज लेना है अपने आप से और 100 डेज के अंदर आपका पीसीओडी एंड पीसीओएस जड़ से खत्म हो सकता है। नाउ बात करते हैं पीसीओडी एंड पीसीओएस के सिम्टम्स की, कि ये क्या सिम्टम्स होते हैं, हमें कैसे पता चल रहा है यार हमारे को पीसीओडी है। आपको पता है जब पीसीओडी होता है तो बंदा कैसा दिखता है, ऐसा या फिर ऐसा या फिर ऐसा या फिर ऐसा। आपको बताइए मैं ही हूँ आज जो मैं आपके सामने ऐसे बैठी हूँ, मुझे मैसिव पीसीओडी था, मैंने किस तरीके से अपना पीसीओडी क्योर करा है एंड आज 6 साल हो गए हैं मेरा पीसीओडी जड़ से ख़त्म है। ये कैसे होता है, क्यों होता है और कभी भी स्ट्रेस आता है तब भी पीसीओडी आ जाता है ना, आपको पता है कि पीरियड्स इरेगुलर हो जाते हैं, कभी हम ओवरडोज मेडिकेशन ले लेते हैं तब भी पीसीओडी हिल जाता है। क्या मेरे साथ पिछले 6 सालों में ये सब चीज़ें हुई हैं, मेरी लाइफ में स्ट्रेस ऑलमोस्ट 100% है, हर किसी की लाइफ में होता है, बट अपने आप को बैलेंस और मैनेज करना कैसे होना चाहिए वो आप लोगों को और मुझे आना चाहिए, मैंने सीख लिया है, आप लोगों को सीखना पड़ेगा। अब हम बात करते हैं पीसीओडी के सिम्टम्स के, कि आपको पता कैसे चलेगा कि आपको पीसीओएस और पीसीओडी है। सबसे पहली चीज़, आपने अपने ना फेस को देखना है, आप लेफ्ट देखो राइट देखो, अगर आपके अनवांटेड हेयर इस पूरे एरिया में बहुत ज़्यादा है, आपकी बॉडी के अंदर सिस्ट है, आपने अपना लोअर एब्डोमेन का स्कैनिंग कराने की बहुत ज़रूरत है कि आपके दोनों ओवरीज के साइज़ कितने हैं। फॉर एग्जांपल आपके ये वाला जो एरिया है ये डार्कर है एज़ कम्पेयर टू दिस एरिया, इट मींस आपको पीसीओडी है। अगर आपकी नेक लाइन दिस लाइन आपका पूरा का पूरा ब्लैक होता जा रहा है, जहाँ पे ये चेन का होता है, इट मींस आपके पीसीओडी के साथ अब आपकी बॉडी में प्री डायबिटिक के सिम्टम्स भी आ चुके हैं। अगर आपको एक्ने बहुत ज़्यादा हो रहे हैं और एक्ने भी जो है वो पेनफुल एक्ने है, मतलब इट्स लाइक पूरा यहाँ एरिया में एक्ने है और यहाँ के एरिया में एक्ने है, इट मींस वो आपके हॉर्मोनल्स एक्ने है एंड वो बहुत पेनफुल होते हैं। कितने टीके लगवा लो, कितनी दवाइयाँ खा लो, कितनी महंगी क्रीम्स लगा लो, कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ेगा टिल द टाइम आपकी बॉडी इंटरनली हील नहीं है। नेक्स्ट, आपके मूड स्विंग्स, आधे से ज़्यादा लोग पीसीओडी एंड पीसीओएस वाले लोगों को पागल करार दे देते हैं, यार ये पागल है, ये कभी भी कुछ भी बोलती है, कैसे भी हंसती है, कैसे भी रोती है, या फिर इसको बिल्कुल भी तमीज़ नहीं है, कैसे बात करनी है। ये सारे सिम्टम्स होते हैं पीसीओडी एंड पीसीओएस के। आपको पता है मेरी एक क्लाइंट है, उसका डिवोर्स फाइल हुआ है जस्ट बिकॉज ऑफ दी मूड स्विंग्स, क्योंकि उसके मूड स्विंग्स का जो पैराग्राफ है ना वो बहुत नेक्स्ट लेवल पे है, वो कभी खुश है, कभी नाराज़ है, कभी हैप्पी है, कभी मूडी है, कभी मीठा खाती है, कभी नमकीन खाती है और कभी कुछ भी नहीं खाती। तो ये सारे सिम्टम्स होते हैं हमारे पीसीओडी एंड पीसीओएस के, क्योंकि आपके हॉर्मोन्स इतने अनबैलेंस हैं, इतने ज़्यादा अनबैलेंस हैं और आपको ऐसा लगता है कि आप एक डीप थॉट में हो और आप बिल्कुल हेल में हो, आपको समझ ही नहीं आ रहा आपको क्या करना है, कभी भी रोना कभी भी हंसना। एंड सबसे इंपॉर्टेंट सिम्टम्स जो आपके पीसीओडी एंड पीसीओएस का है, वो नींद नहीं आने देता और आपको मोटापा देता है। आप इतना ज़्यादा मीठा खाते हो, इतना ज़्यादा मीठा खाते हो, आपको लगता है यार ये बस मीठा ही मेरी ज़िंदगी है, कुछ भी आ जाए स्विगी और जोमैटो ओपन करो और कुछ भी डेजर्ट मंगा लो, और उनको पेस्ट्रीज और बेकरी आइटम्स की बहुत ज़्यादा क्रेविंग होती है। एंड आई एम श्योर आप लोग हंस रहे होंगे क्योंकि आप लोगों को भी ऐसा होता होगा और मुझे भी बीच में कभी कभार होता है, बट मैं फिर अपने आप को कंट्रोल कर लेती हूँ। अनदर पार्ट, आपका वेट इतना ज़्यादा बढ़ता चला जाएगा, इतना ज़्यादा बढ़ेगा एंड आपको ऐसा लगेगा आप मेनली लुक कवर कर रहे हो,
आपके बॉडी के अंदर इतने ज़्यादा टेस्टोस्टेरोन लेवल जो है वो बूस्ट होंगे आपके हार्मोन्स कि आपको फीलिंग आएगा यार मैं मेनली वाला चीज़ें कवर कर रही हूँ, आपकी बॉडी में बहुत ज़्यादा एनर्जी आएगी। फॉर एग्जांपल अगर कुछ है जो एक नॉर्मल फीमेल नहीं उठा पाती और अगर आपको पीसीओडी एंड पीसीओएस है आप वो इतना हैवी लिफ्ट वाली चीज़ भी उठा लोगे आपके अंदर एकदम से एनर्जी आएगी। ये सारे सिम्टम्स होते हैं पीसीओडी एंड पीसीओएस के। अगर आपको ये सिम्टम्स हैं अब मैं बताती हूँ उसका इलाज क्या है, आप किस तरीके से फास्ट वेट लॉस कर सकते हो और विद इन 100 डेज के अंदर आप अपना पीसीओडी एंड पीसीओएस खत्म कर सकते हो। मैं कंसल्टेशन कॉल ले रही थी, नॉट अ डाइट कॉल, कंसल्टेशन कॉल, एंड उसका जो लिंक है मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। मैं कॉल ले रही थी एंड मैंने उनसे बात करी तब मुझे समझ आया कि वो क्या करती हैं, वो सुबह से लेकर रात तक सिर्फ मीठा खाती हैं। मेरी एक क्लाइंट वो सिर्फ मीठा खाती हैं, पूरे दिन दबा के मीठा खाती हैं। उनका HbA1c आया हुआ है 12, विच मीन्स उनका शुगर लेवल नेक्स्ट लेवल पे बहुत हाई है और उनके शुगर लेवल हायर होने की वजह से उनके 4 IVF फेल हुए हैं, बट उनका मीठे पे बिल्कुल कंट्रोल नहीं है। सो मैंने उनको कुछ आयुर्वेदिक हर्ब्स बताएं जिसकी हेल्प से आज वो मीठा बिल्कुल नामात्र टच करती है, टच ही नहीं करती वो एज पर हर बॉडी। अब मैं वो चीज़ें आपको यहाँ पे बता रही हूँ कि आपको कौन कौन से हर्ब्स, कौन कौन सी चीज़ें अपनी डाइट में ऐड करनी है जिसकी हेल्प से आपका पीसीओडी एंड पीसीओएस बिल्कुल क्योर हो जाएगा, पकड़ में आ जाएगा विद इन 10 डेज के अंदर। आप देखोगे आपकी मीठे की क्रेविंग कंट्रोल हो जाएगी। सबसे पहली चीज़, अपने पैसे बर्बाद करना बंद करो महंगे स्किन केयर पे। स्किन नहीं ठीक होनी, कोई भी ट्रीटमेंट करवा रहे हो लाखों में वो बिल्कुल ठीक नहीं होना, आपको पहले बॉडी हील करना है। सो बॉडी कैसे हील होगा हमारा, स्टार्ट करते हैं टिप नंबर 1। सबसे पहले आपको ऐड करना है अपनी बॉडी के अंदर बहुत सारे आयुर्वेदिक हर्ब, पनीर डुबा, शतावरी, काली जीरी एंड दारू हल्दी एंड अनदर पार्ट इज यहाँ पे मैं ऐड करवाऊंगी आपको अर्जुन की छाल। सो ये सारे हर्ब्स को आपने अपनी डाइट के अंदर ऐड करने ही करने हैं। अब ये सारे हर्ब्स किस तरीके से ऐड करने हैं, इन सब के लिंक्स जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वीडियो के आपने पिक करना है एज पर दी टाइमिंग। ये सारे हर्ब्स आपको रेगुलर बेसिस पे अपनी डाइट में ऐड करना है, ठीक है, रेगुलर बेसिस पे। फॉर एग्जाम्पल कुछ हर्ब्स भूल भी जाते हो ना तो शतावरी आपके लिए अमृत का काम करेगा। सो मेक श्योर आपने शतावरी ऐड करना है एवरी सिंगल डे अपनी डाइट के अंदर। काम करो ना, नाश्ता बना के ले लो ना, नाश्ते बनाने के 20 मिनट के बाद वो बिल्कुल सॉल्व हो जाएगा। अनदर पार्ट, आपको डेयरी नहीं लेना, दूध से बनी हुई किसी भी चीज़ को आपने टच नहीं करना। नंबर 2, आपको घी बिल्कुल नहीं लेना। नंबर 3, आपको गेहूं, ग्लूटेन बिल्कुल नहीं लेना। नंबर 4, आपको अपनी डाइट में वाइट राइस ऐड नहीं करनी है। नंबर 5, आपको शुगर रिलेटेड आइटम्स अपनी डाइट में ऐड कर नहीं करनी है, बीट वो फ्रूट्स और वेजिटेबल्स हो जिसमें हाई इनटेक ऑफ शुगर हो। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे गाजर, कॉर्न, हमारे मटर, हमारा चीकू और हमारे पास आ जाता है यहाँ पे मैंगो, मेलन्स आपको बिल्कुल अपनी डाइट में ऐड नहीं करने हैं। कस्टर्ड एप्पल जिसको हम कहते हैं हिंदी में सीताफल, आपने बिल्कुल अपनी डाइट में ऐड नहीं करना है। ऐसे करने के बाद ना आपको क्रेविंग्स जागृत होगी, चलो यार मीठा खाते हैं मीठा खाते हैं। क्या करना है, शतावरी की टी लेनी है, उससे आपके मीठे की चीज़ों को बहुत स्ट्रांगली कंट्रोल मिलेगा। एंड आपको वर्कआउट करना पड़ेगा, 30-35 मिनट्स एवरी सिंगल डे आपने वॉक करनी ही करनी है या फिर स्किपिंग करनी है। नेक्स्ट, आपको अपने मेंटल लेवल को ना बहुत अच्छे से स्ट्रॉन्ग करना है। फॉर एग्जांपल आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है, किसी भी चीज़ का स्ट्रेस है और एक ऐसा स्ट्रेस है जो बिल्कुल अवॉइड नहीं किया जा सकता। मेरे पास यहाँ पे मेरी वेबसाइट पे जाओ, वहाँ पे बहुत सारे स्ट्रेस रिलेटेड मैं फ्री ऑफ कॉस्ट वीडियो पोस्ट करती हूँ रिलेटेड टू केसेस स्ट्रेस रिलेटेड, तो आपको समझ आएगा लोगों की लाइफ में कितने कितने स्ट्रेस है। फॉर एग्जांपल आपकी लाइफ में बहुत सारा स्ट्रेस है, आपको समझ नहीं आ रहा यार क्या करना है, कैसे करना है, कैसे नहीं करना, सिंपल अवॉइड कर दो सिचुएशन को, बिल्कुल अवॉइड कर दो, सुनो समझो मत, कानों में घुसने ही मत दो जब आप उस चीज़ का कुछ कर ही नहीं सकते हो। आपका स्ट्रेस आपका पीसीओडी बढ़ाएगा। आप अगर स्ट्रेस फ्री हैं आपका पीसीओडी बिल्कुल कंट्रोल रहेगा। भूख को कंट्रोल करने में, भूख मतलब एक सिंपल सा चीज़ आप फंडा समझ लो, मोटा होना पतला होना। जितना बॉडी को एग्जॉस्ट करोगे, ओवरथिंक करोगे, टेंशन में दोगे, रुलाओगे, हंसाओगे, थकाओगे, बॉडी को उतना ग्लूकोज चाहिए, एनर्जी चाहिए आगे वर्क करने के लिए। जितना अपनी बॉडी को शांत रखोगे, रिलैक्स करोगे, बॉडी को रेस्ट दोगे, इतना ज़्यादा उसको मारोगे नहीं उतना बॉडी को रिलैक्स मिलेगा, बॉडी भूख कम लगाएगी और आपको एनर्जी जो आपकी कम यूज़ होगी। So I hope this video is useful and come and follow me on my Instagram यहाँ पर, and यहाँ पर मैं बहुत सारी चीज़ें post करती हूँ related to PCOD, PCOS, health related चीज़ें, and I hope this video is useful। Next video में post करूँगी total a big diet, a proper full day eating diet related to PCOD, and जिन जिन females को PCOD है, जो जो सोचती हैं यार हम अकेले हैं इस fight में, no, share this video with them,
आपको समझ आएगा, आप अकेले नहीं हो, यहाँ पे लाखों फीमेल्स ऐसी हैं जो पीसीओडी से फाइट कर रही है डेली बेसिस पे, जो बच्चा कंसीव करना चाहती है डेली बेसिस पे, जो अपने हार्मोन्स को बैलेंस करना चाहती हैं, जो अपनी बॉडी को ठीक करना चाहती हैं, बट जस्ट बिकॉज ऑफ एक्स वाई जी रीजंस वो ठीक नहीं कर पाती हैं. सो थैंक यू सो मच एंड आई विल सी यू सून. टेक केयर जी.